नमस्कार। चीन का संकट बढ़ता जा रहा है। मैं इस लिहाज से कतई नहीं कह रहा हूं कि चीन दुनिया भर से, उसने एक तरह से कहें कि पूरी दुनिया से जंग छेड़ रखी है, सबके साथ वो युद्ध की स्थिति में, उसके पड़ोसी देश हो नहीं हो, दुनिया में किसी भी जगह उसका अपना एक अलग तरह का अड़ंगा लग जाता है। चीन वो देश है जिसके वायरस से पूरी दुनिया त्रस्त है, जिसकी तानाशाही से पूरे चीन के नागरिक त्रस्त हैं, उसके पड़ोसी देश त्रस्त हैं, सीमा विवाद वो सबके साथ करता है, और कहें कि जो उसकी कंपनियां हैं वो जिन जिन देशों में जा रही हैं वहां की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। लेकिन चूंकि मैंने आपको कहा है कि मेरी कोशिश ये होगी कि चीन में क्या कुछ चल रहा है और चीन कैसे कमजोर हो रहा है, कैसे उसके अंदर विद्रोह बढ़ रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। और अभी की खबर यह है कि शी जिनपिंग के खिलाफ जो पीएलए है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, उन सैनिकों का गुस्सा बहुत बढ़ गया है। और कमाल की बात यह है कि एक साथ पीएलए के जो अभी के सैनिक हैं उनका गुस्सा और जो पीएलए के पूर्व सैनिक हैं उनका भी गुस्सा वो शी जिनपिंग की सरकार के खिलाफ है। और दरअसल इसको एक तरह से कहें कि जो ऐसा तानाशाह कोई भी शासन होता है जिसमें सैन्य ताकत की बड़ी भूमिका होती है, उसका यही हर्ष होता है और वही होता हुआ दिख रहा है। अभी पीएलए के सैनिक जो नाराज हैं, जिसको लेकर मैंने पहले भी आपको बताया था, खबरें भी अलग अलग आ रही हैं कि जो जिसकी संख्या 40 से लेकर 100 तक है या 100 से भी ज्यादा हो सकती है, जो पीएलए के सैनिक मरे भारतीय सैनिकों के साथ भिड़कर जिनकी जान चली गई, उनके परिवार को न तो सम्मान मिल रहा है, न कोई प्रतिष्ठा है, न किसी तरह की पहचान है। अब भारतीय सैनिक तो जो वीरगति को प्राप्त हुए पूरा भारत उनको अपने परिवार का सदस्य मानता है, पूरे भारत ने उनको सम्मान दिया, वो तिरंगे में लिपटकर अपने घरों तक आए, भारतीय टेलीविजन चैनल और उनके जरिए पूरी दुनिया ने देखा कि भारतीय सैनिकों का सम्मान क्या है। लेकिन पीएलए के सैनिकों को यह नसीब नहीं है, उनकी किस्मत बड़ी खराब है। तानाशाह शासन में होना अपने आप में बहुत बड़ी विसंगतियों, बड़ी बुराइयों के साथ आता है। हालांकि जो हमारे देश के वैचारिक बंधुआ हैं, जो वामपंथी वैचारिक बंधुआ मजदूर हैं, वो तानाशाही के इस दुष्परिणाम के बारे में जनता को नहीं बताते। और अभी जो चीन की पूरी कहें रणनीति है, खासकर शी जिनपिंग के आने के बाद उनका जो स्ट्रेटेजिक चेंज हुआ है, एक समय में वो चीन अपनी आर्मी बढ़ा रहा था, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्मी, और अभी तो संख्या के लिहाज से और उसमें बहुत कटौती हो गई है। शी जिनपिंग के आने के बाद, और चूंकि कंपनियां तब तक विस्तार कर चुकी थी, 2013 के बाद 2-3 मोर्चों पर शी जिनपिंग ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से बड़े फैसले कराए। अच्छा, कमाल की बात यह कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में, सीसीपी में, अभी जो ताकतवर पदों पर बैठे लोग हैं वो सब पीएलए के पूर्व सैनिक हैं, वो सब पीएलए के कमांडर थे, कोई रेजिमेंटल चीफ था, जैसे हुई के जो सीईओ हैं वो वहां के डेप्टी रेजिमेंटल चीफ रहे हैं, इंजीनियरिंग कोर के डायरेक्टर रहे हैं, ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो पीएलए से निकले। लेकिन अब उनको सैन्य, जो सैनिक ताकत होती, खासकर जिसको आर्मी कहते हैं, यानी संख्या बल, कि हमारी इतनी बड़ी सेना है, उस पर वो भरोसा अब उनको नहीं रहा है। शी जिनपिंग का और सीसीपी का लक्ष्य है कि धीरे धीरे सैनिकों पर निर्भरता कम करनी है, तकनीक के जरिए दुनिया पर सैनिक शासन करना है। आर्मी मिलिट्री ताकत रहेगी लेकिन उसमें सैनिकों की भूमिका बड़ी कम हो जाएगी। और इसीलिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने एक सुधार किया, प्रस्ताव पेश किया, जिसमें बहुत कुछ बदल दिया, इसमें यहां तक कि सैनिकों की पहचान तक बदल दी। अब पूर्व सैनिक एक दूसरे को पहचान नहीं पाते, हालांकि उसके पीछे बड़ी वजह यह बताई जाती है कि जो पीएलए के पूर्व सैनिक थे उनको न तो पेंशन मिल रही है, न सम्मान मिल रहा है, न उनको एक तरह से कहें कि कोई पहचान ही नहीं है, कोई पहचान नहीं है, क्योंकि उनको सेना की तरफ से कोई सेंट्रलाइज्ड पेंशन नहीं मिलती है। उनको स्थानीय प्रशासन पर अपने जीवन के लिए, अपने जो भी रोजमर्रा की जरूरतें हैं उस पर निर्भर रहना पड़ता है। और
अलग अलग स्थानीय प्रशासन अलग अलग तरह से सैनिकों को ट्रीट करता है, जिसमें बहुत डिस्पैरिटी है, असमानता है, भेद है। उसकी वजह से उन सैनिकों का गुस्सा सरकार के खिलाफ बढ़ा। पीएलए के उन पूर्व सैनिकों ने जो जियानली यांग, ये जो जियानली यांग हैं, इन्होंने बताया है। और जियानली यांग के बारे में एक महत्वपूर्ण बात जानिए कि ये कौन है, इनकी बात का इतना महत्व क्यों है। जियानली यांग ने थियानमेन चौक पर अपनी आंखों के सामने वो नरसंहार देखा जिसमें टैंक से चीनी छात्रों नागरिकों को दबा दिया गया, गोलियों से भून दिया गया। और जियानली के पिता चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में बड़े पद पर थे। जियानली को भी इसीलिए बहुत महत्व मिलता था। जियानली सीसीपी में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वहां जो भ्रष्टाचार उनको दिखा, जो तानाशाही दिखी, जो जिसको कहते हैं ना कि कालीन के नीचे की जो गंदगी थी, वो जब उनको दिखी तो उन्होंने अपना करियर अमेरिका जाकर बनाने का मन किया। और पिता चूंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में बड़े पद पर थे तो उनको अमेरिका भेज दिया गया, वो बर्कले यूनिवर्सिटी चले गए। लेकिन 1986 में बर्कले गए वो, और 1989 में चीन में बड़ा प्रदर्शन शुरू हो गया छात्रों ने लोकतंत्र के लिए किया। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व महासचिव ने छात्रों के साथ जब जाने की कोशिश की तो उनकी मृत्यु के बाद वो और आंदोलन भड़क गया। वो जिसको बार बार कहा जाता है डेंग शियाओपिंग ने जो किया था, जिसके बाद चीन एकदम से उसकी छवि बदली और वो जो आर्थिक सुधारों की तरफ जा रहा था, इस नरसंहार की वजह से पूरी दुनिया से उसका नाता टूट गया। लेकिन धीरे धीरे करके फिर से दुनिया ने और खास करके अमेरिका ने बाजार के चक्कर में, अपनी कंपनियों को बड़ा करने के चक्कर में वहां से समझौता कर लिया, जिसका नुकसान पूरी दुनिया झेल रही है। ये बात बार बार मैं कहूंगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अमेरिका चीन की इस तानाशाही को बढ़ाने का आज दुनिया भर के लिए जो खतरा बना है उसके लिए बहुत जिम्मेदार है। तो ये जो जियानली यांग थे, ये बर्कले यूनिवर्सिटी में जो चीनी छात्र थे, उन्होंने कहा कि आप जाइए, और जो चीन में प्रदर्शन चल रहा है, चीन के 40 से ज्यादा विद्यालयों विश्वविद्यालयों में अलग अलग जगह जो इंस्टीट्यूशंस थे उसके छात्र स्टूडेंट लीडर्स वो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आए बीजिंग और उस नरसंहार के दिन ये थियानमेन चौक पर थे, किसी तरह बचकर लौटे और अब वहां अमेरिका में रहकर और जो सिटीजन पावर इनिशिएटिव फॉर चाइना इसके वो संस्थापक हैं और दुनिया भर में लिखते पढ़ते रहते हैं। उन्होंने जो कहा है वो कह रहे हैं कि जो पीएलए के पूर्व सैनिक हैं, और पीएलए के पूर्व सैनिकों की संख्या वो करीब 6 करोड़ है, क्योंकि आर्मी बहुत बड़ी हुआ करती थी। अब तो 2015 में सैनिकों की संख्या काट दी गई, 3 लाख सैनिक घटा दिए गए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में। और वो बहुत जिसको कहते हैं ना कि वहां जो नौजवान आते थे, अच्छा एक और बड़ी चीज हुई है जो मैंने ऑब्जर्व किया वहां की खबरें पढ़ते हुए, अब वहां सेना में भर्ती के प्रति उत्साह नहीं है। एक तो बाजार की दखलंदाजी हो गई, लोगों का जीवन का तरीका बदल गया, और सबके मन में इच्छा है कि किसी तरह विदेशों में जाएं। जो नौजवान है उसको चीन में रहना नहीं, और चीन में भी रहना है तो सेना में नहीं जाना चाहता। इसलिए नहीं कि देश के लिए वो क्या करे, उसको पता है कि ये सब कुछ तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपनी सत्ता के लिए कर रही है, वहां देश जैसा तो कुछ है नहीं। जो हू शिजियान जो उसके एडिटर हैं ग्लोबल टाइम्स के, जो कहते हैं भारत में नेशनलिज्म, तो वहां राष्ट्र जैसा तो कुछ है नहीं, एक पार्टी के लिए वो पीएलए है। और अब पीएलए से ही निकले हुए लोग जो सीसीपी में बैठे हुए हैं, उनका ये मानना है कि अब पीएलए की बहुत जरूरत नहीं है, पीएलए को ताकतवर नहीं बनाना है, पीएलए के कमांडर्स को, जो कहें कि ऊपर के कमांडर्स हैं, उनके अधिकार, उनकी सत्ता, उनका सुख, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान में आईएसआई और सेना का होता है, तो वहां सामान्य सैनिकों को कोई न तो पहचान है न सुख सुविधा है। अब वो जो 5,70,00,000 पूर्व सैनिक हैं और जो अभी सैनिक हैं, इनका गुस्सा मिलकर चीन के लिए खतरा बन सकता है। ये जो जिनके बारे में कह रहा हूं जियानली यांग, इनकी ये बात है। और ये लगातार कह रहे हैं कि चूंकि जिस तरह से सीसीपी ने पीएलए के लोगों का महत्व कम किया और उनको कोई पहचान नहीं है, वो अब शी जिनपिंग की सत्ता के लिए खतरा बन रहा है। और जैसे एक चीज तो मैं ही ऑब्जर्व करता हूं कि अब पूरी तरह से वहां जो कंपनी चला रहे हैं लोग,
जो आर्थिक जो ताकत बनने में मददगार बन रहे हैं, जो बड़ी बड़ी जगह डील्स करा रहे हैं, सौदेबाजी करा रहे हैं, उनका महत्व सीसीपी में बढ़ गया है। इसीलिए ये जो अंदर अंदर गुस्सा हो रहा है, और चूंकि पीएलए के पूर्व सैनिकों पर चीन ने बड़ी कार्रवाई कराई, वो जो उनका नंबर वंबर बदल दिया जिससे कि वो पहचान न पाए, डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए एक जगह इकट्ठा ना हो पाए, ये सब चीन ने किया है। और अब शी जिनपिंग के खिलाफ ये बड़ी नाराजगी है, और खास करके जो गलवान घाटी में उस दिन हुआ 15 जून 2020, जिसके बाद भारतीय सैनिक जो अपने देश के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, उनको पूरी दुनिया ने सम्मान के साथ देखा, भारत और भारत सरकार ने सम्मान दिया। और जो चीन के लिए लड़ रहे थे, जो मर गए, उनके बारे में कोई चर्चा तक नहीं है। नौजवान बहुत गुस्से में है, पीएलए के पूर्व सैनिक पहले से ही गुस्से में थे। एक बात जो है कि उनके पास हथियार भी हैं, उनकी तैयारी भी ठीक है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब अगर वो कहीं संगठित होकर एक साथ आ गए तो जियानली यांग कह रहे हैं कि ये शी जिनपिंग की सत्ता को ध्वस्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग इस चर्चा में जुड़े। और 100 चीनी सैनिक मारे गए, ये लगभग अब तय होता दिख रहा है, अलग अलग सूत्रों से जो खबरें आ रही हैं। लेकिन अच्छा होगा कि ठीक है, भारत से लड़ने की स्थिति में चीन नहीं है, अब वो पीछे अपने टेंट वेंट लेके उखाड़ के जा रहा है, जिसको कहते हैं ना लोग कि तंबू उखड़ गया, तो तंबू अब चीन के सैनिकों का उखड़ गया है। और अच्छा होगा कि वो एक देश की तरह व्यवहार करना शुरू करे, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की तरह तानाशाही वो बंद करे। और भारत को ख्याल रखना होगा कि जो अपने नागरिकों का नहीं हुआ, जो अपने लोगों का नहीं हुआ, वो किसी दूसरे देश के साथ कोई भी समझौता मानेगा ये आप यकीन मत कीजिए, वो धोखेबाज चीन है। इसलिए उसको धकेलिए, उसकी ताकत को लगातार कम कीजिए। जो चीन मुक्त भारतीयों का जीवन होना है, इस लक्ष्य को जितनी जल्दी हासिल कर लेंगे, उतनी जल्दी चीन को, शी जिनपिंग को, सीसीपी को घुटनों पर ला देंगे। और कमाल की बात यह है कि पीएलए के पूर्व सैनिक और अभी के सैनिक, वो अपनी दुर्दशा से, अपनी गुमनामी से इतने नाराज हैं कि वो कभी भी सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और शी जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। तो अभी की इस चर्चा में बस इतना ही, और आप लोग ये वीडियो दूसरों को बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप जो जो चीजें हैं वो लिख लीजिए, दूसरों को बताइए, अपने मुंह से बताइए। और जो सबसे बड़ी बात है कि आपसे मैं एक बार बात बार बार कहता हूं कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी बजा दीजिए, जिससे कि हमारा सामाजिक परिवार ज्यादा बड़ा हो, उसकी आवाज ज्यादा मजबूत हो, हम पॉजिटिव सकारात्मक बहस चलाते रहेंगे देश की बेहतरी के लिए, दुनिया की बेहतरी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।